नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्याम मेहता और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक 4K ड्रोन का जो मैंने आज परचेस किया है। जो ये जो ड्रोन है उसकी मैं माहिती दूंगा। फर्स्ट इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो ड्रोन है, और इसकी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको एक क्विक रिव्यू भी दिखाऊंगा, जो कि एक चीपेस्ट ड्रोन है और बहुत अच्छा 4K ड्रोन है, जो कि अभी तो भारत में अवेलेबल नहीं है। मैंने बाहर से एक्सपोर्ट किया है। जो आप देखते रहिए, ये जो ड्रोन है इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं, ये ड्रोन 4K ड्रोन की पैकेजिंग है। दोस्तों ये ड्रोन मुझे कल रिसीव हुआ, पर कल मैं बहुत थका हुआ था तो इसलिए आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये ड्रोन की मदद से हम व्लॉग भी शूट करेंगे, जो मेरी दूसरी भी चैनल है व्लॉग वाली। आप उसमें सब्सक्राइब नहीं हो तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है यहाँ जाके व्लॉग की चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चैनल है ये टेक्निकल वाली चैनल है, जो मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी मेन चैनल है। दोस्तों ये ड्रोन मैंने इम्पोर्ट कराया है बाहर से, ये सिंगापुर से आया है। मैं इसका एक फ़ोटो भी वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से सेलो टेप से ढका हुआ है। दोस्तों ये ड्रोन मुझे प्राप्त हुआ था 12 दिन में। दोस्तों इसकी मैं फुल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने जो ड्रोन परचेस किया, और जो कस्टम ड्यूटी और ये सब ये प्रोसेस में आपको दूसरे वीडियो में बता दूँगा। दोस्तों एक बात मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूँ कि इस ड्रोन में जो टैक्स मुझे नहीं लगा है, तो मैं आपको बता दूंगा, एक और वीडियो में बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स है। तो दूसरा वीडियो आएंगी तो आप सब रखिए, जो ड्रोन है उसके रिगार्डिंग में जो ड्यूटी और चार्ज कैसे और पे करते हैं, मुझे तो नहीं लगा, पर इसके रिगार्डिंग में कैसे मुझे नहीं लगा इसका एक वीडियो इसके बाद में डाल दूंगा। तो आप भावपूर्वक उस वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को भी देखना। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसकी जो घंटड़ी है उसको दबा दीजिए। दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप भावपूर्वक मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो लोग के साथ शेयर करें वीडियो को। चलो दोस्तों तो शुरू करते वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो देख सकते हैं वो जो पैकेजिंग है, ड्रोन का पैकेजिंग है, ये जो पूरी थर्मोकोल की बॉडी में दिख रहा है। दोस्तों ये जो पैकेजिंग है वो जो मुझे रिसीव हुआ 12th डे में रिसीव हो गया था। तो हम पहले इसको फास्ट फॉरवर्ड में खोल लेते दोस्तों यहाँ से ओपन हो चुका है। देखो दोस्तों ये है ड्रोन 4K। फर्स्ट तो दोस्तों हम ऐसे बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक मैनुअल मिलती है, जो कि ये पूरा तरीके से मुझे चाइनीज़ में लगती है, और इंग्लिश में भी है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा तो चाइनीज़ में है। आप देख सकते हो ड्रोन की सब कुछ है पर ज़्यादातर तो चाइनीज़ में है। तो हमको जब पढ़ने की रिक्वायर्ड होगी तो पढ़ सकते, पर लेकिन ट्रांसलेटर हम जब यूज़ करेंगे तो अब ये मैनुअल को भी अब पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये ड्रोन दिखता है, सबसे पहले क्विक में देख सकते हो आप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो बक्से में जो प्रोपेलर गार्ड्स आते हैं वो प्रोपेलर गार्ड्स है। तो इसके उपयोग से हम जो ड्रोन नहीं आता है, शुरुआत में तो मुझे ही नहीं आता, मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे चलाना नहीं आता। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड होगी ये प्रोपेलर गार्ड्स की,
कि जो कि कभी कभी ऐसे टच हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये प्रोपेलर गार्ड है, चार जो आते हैं यहाँ पर, ये प्रोपेलर गार्ड है। दूसरा मैं बात करूँ दोस्तों, इसका जो चार्जिंग है, जो चार्जिंग वायर है, उसके अलावा जो मोटर की जो पीछे की प्रोटेक्शन दी है वो है। उसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है कि जिसके तहत आप इसको ओपन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ है। दूसरा मैं बात करूँ तो साइड में एक रिमोट है जो कि एकदम DJI जैसा लुक दिया है और एकदम पॉकेट रिमोट टाइप का है। और यहाँ पर आप, मैं आपको बोलूँ तो यहाँ से वीडियो आप कैप्चर कर सकते डायरेक्टली। और दूसरा यहाँ पर कैमरा की जो ऑप्शन दिया है तो कैमरे से फोटो कर पा सकते। पर लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ, ऐसा कुछ है, एकदम छोटा सा है और यहाँ से कुछ ओपन हो सकता है, तो मैं देखूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से खुलता है पूरा और यहाँ से एकदम, जिसको बोले आप, तो ये फ्लेक्सिबल है एकदम, आप देख सकते हैं एकदम फ्लेक्सिबल है ये। और यहाँ अपना मोबाइल इंसर्ट करके जो पिक्चर वगैरह फोटो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी दो कुछ बटन दिया है ये रिटर्न लग करके। दोस्तों ये लास्ट में है अपना ये ड्रोन है 4K, एकदम लाइट वेट है ये ड्रोन। 200 ग्राम के जितना होगा, पता नहीं है कितना होगा। इसमें दो कैमरा लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये ड्रोन है। उसके बड़े बड़े पंखे हैं, इतना बड़े पंखे हैं। और इसके अलावा इसमें दो कैमरा है, एक यहाँ पर भी है नीचे और एक साइड में। ये वाला 4K कैमरा है और ये HD कैमरा है। दो कैमरा ये जो ड्रोन में मिलता है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रोन है। मैं आपको जो उस जो टेप पट्टी से माप कर भी दिखाऊंगा कि जो बड़ा हाइट का ड्रोन है। पर दोस्तों इसका जो वज़न है वो भी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। बैटरी इसमें आती है, ये रॉयल रही, ये बैटरी है। दोस्तों मैं जो बैटरी की बात करूँ तो 1600 mAh की जो बैटरी आती है, मतलब कि 1600 की मिली एम्पियर पावर की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। एक ही बैटरी मिलती है और उसका जो वेट है वो भी ठीक ठाक है, यहाँ से लग जाती है। मीडियम इसका वेट है, मतलब कि एवरेज वेट है, वेट ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि जो हवा में स्थिर रहने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों फाइनली जो ड्रोन है ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैमरा है, ये जो है ये 4K कैमरा है ये वाला। और इसके नीचे भी एक कैमरा दिया गया है ये वाला, जो कि ये भी दो कैमरा वाला है ड्रोन। और ये जो है एंटीना दिया गया है उसका, यहाँ पर लिखा HD कैमरा तो HD भी होगा, कोई पता नहीं मुझे। तो दोस्तों मैं आपको जो टेप है उससे माप कर दिखाता हूँ कि कितना है, मतलब कि कितना लंबा है ये ड्रोन। कि यहाँ से करके 15 इंच का है, आप देख सकते हो ये जो ड्रोन है वो 15 इंच का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं बात करूँ तो ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है, मतलब कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये कार्बन है। मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा है, मतलब प्लास्टिक जैसा ही दिख रहा है, पर बोला ये गया है तो कार्बन फाइबर है, तो कार्बन प्लास्टिक हो सकता है ये। और जो रिमोट है वो भी कार्बन फाइबर का ही बोला गया है, और ये भी जो है वो कार्बन प्लास्टिक का ही होता है। दोस्तों ये मैनुअल दी गई है, पर इसका जो मोड है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, पर इसको जो पढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि ये है वो चाइनीज़ में लिखी है, पूरे के पूरी चाइनीज़ में। थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी है तो मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद ही फ्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं कैसे फ्लाई करते, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ड्रोन है ये जो ड्रोन है। और चार्जिंग भी है उसके में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों ड्रोन की जो मैं बात करूं तो एकदम यूनिक टाइप का लगता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो एकदम, उसकी जो देखाव है वो एकदम अलग है। और आप देख सकते हैं एकदम नमणा और नाजुक टाइप का ड्रोन है। तो दोस्तों अभी तो मैं बात करूं तो फुटेज की, तो मैं इसकी फ्लाइंग टेस्ट तो मैं आपको अभी
मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं कैसे चलाते हैं ये ड्रोन, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ड्रोन उड़ाया ही नहीं है। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, पर ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें दो पंखे होते हैं हेलीकॉप्टर में और इसमें चार है। तो मैं देखूंगा कि कैसे कुछ है, क्योंकि मुझे तो पहले जो प्ले ग्राउंड होता है मैदान में, उसमें जाकर के क्या कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना महंगा आता है और एक बार में टूट गया तो दूसरी बार हम नहीं ले सकते। तो देखना पड़ेगा क्या कुछ है और सब पीछे फिर ही हम उसको फ्लाई कर सकते। दोस्तों मैं अब बात करूँ इस रिमोट की, तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल है ये इंसर्ट करके अब 4K वीडियो का अनुभव ले सकते हैं। तो 4K जो होता है उसकी मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी देता हूँ। 4K मतलब कि पहले HD आता है, उसके बाद फुल HD आता है, और फुल HD के बाद में 4K आता है। मतलब कि 4K का जो लेवल है वो सबसे ऊंचा लेवल है। मैं बात करूँ तो अभी 4K TV भी आ चुका है। आप देख सकते हो कि कितने आपके जो शहर में 4K TV बिकते हैं हर रोज़। तो 4K TV में जो सपोर्टिंग आता है वही जो कैमरा है 4K डिस्प्ले होती है ना टीवी की, वो उसको चलाने के लिए 4K कैमरा होता है। ये जो है इसमें 4K कैमरा है, तो इससे तहत आप 4K ले सकते हैं। दोस्तों अब मैंने जो ड्रोन लिया था उसका जो सैंपल फ़ोटो था वो मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं, तो वो फ़ोटो आपको मैं जो वीडियो में डाल दूंगा, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि वो जो रिजल्ट है 4K का वो कैसा है। मैं आपको एक बात बताते चलूं दोस्तों, कि इसमें वाइड एंगल जो लेंस होता है ना, इसके इसलिए उसमें जो ज़्यादा ही अच्छा आता है 4K, तो वो जो मैंने जो सैंपल इमेज क्लिक किए हैं वो मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरी और एक चैनल है व्लॉगिंग की, इसके लिए ही मैं तो मैंने ये ड्रोन ख़रीदा है, कि जिसके तहत मैं ऊंचाई से शूट कर पाऊँ उसको उड़ाकर, और जो शॉट है वो सिनेमेटिक शॉट ले सकता हूँ, तो इसलिए ही मैंने ड्रोन ख़रीदा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप जो नए हो चैनल में तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।